हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। GCC और JUCC मतलब ग्रेशिया CC और जोव्स यूनाइटेड CC के बीच में मुकाबला होने वाला है। जोव्स यूनाइटेड बहुत बढ़िया पोजीशन में है एज़ कम्पेयर टू GCC। GCC के यहाँ पर है भैया 6 मुकाबले खेले हैं GCC ने, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीते हैं अपने और सारे मुकाबले हार कर आ रहे हैं। ये देख के चलो, सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला जीता है, सारे के सारे मुकाबले हारे हैं। और वो मुकाबला जीता भी कौन सा है, पिछला वाला मुकाबला ही जीता है अपना, जो इनका लास्ट मुकाबला हुआ था वही जीत कर आ रहे हैं। JUCC बढ़िया परफॉर्मेंस दी है पिछले दो दिन में, मतलब पिछले से पिछले दिन में इसके 2 मुकाबले थे उसमें से एक जीते और एक हारे, और एक दोनों मुकाबलों में 100+ रन मारे थे, पहले में 127 और दूसरे में 170। तो ये देख के चलो, JUCC की टीम को आप ज़्यादा फेवर कर सकते हो, पर आपको 6 प्लेयर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे JUCC के। 7वां प्लेयर आपको ढूंढने में ना, मतलब भैया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 7वां प्लेयर रखूँ कौन सा। अगर एक आधे दो प्लेयर जो बढ़िया प्लेयर्स हैं दोनों टीम में से अंदर आ जाते हैं, तब तो सीधी सीधी सेलेक्शन है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ मतलब उलट फेर होता है तो उसमें आपको ज़्यादा कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा मतलब देखना पड़ेगा कि भैया कौन से प्लेयर्स आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं कौन से नहीं। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल डिस्कस करने से पहले एक ऐप के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कौन सी ऐप है ये है My Team11 ऐप। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का जहाँ पे लिंक होगा ना, उसी के नीचे आपको My Team11 का भी लिंक मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो टेलीग्राम पे भी लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या है, रेफरल कोड में डालो Expert11। जैसे ही Expert11 डालोगे वैसे ही आपको मिलेगा क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। 100 रुपये बोनस मिलेगा, 100 का 100 रुपये बोनस आप यूज़ कहाँ कर सकते हो। ये जो लीग्स है ना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली हैं। अगर आप जो मतलब Expert11 डालते हो तो आपके लिए लीग्स बिल्कुल फ्री होने वाली हैं, आपको 1 रुपया भी देना पड़ेगा अगर आप पहली बार खेल रहे हो। अपडेटेड टीम इसकी भी आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आपको जैसे अगर आपको लगता है कि अच्छा मुझे भैया यहाँ पर 100 रुपये वाला कॉन्टेस्ट नहीं खेलना, उससे बड़ा कॉन्टेस्ट खेलना, लाइक 199 वाला खेलते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे। और उसमें ऑफर देख लो भैया, 200 रुपये डालोगे ना, अगर पहली बार डाल रहे हो 200 रुपये डालोगे तो 100 रुपये बोनस आपको मिल जाएगा। तो ये देख के चलना, मतलब 100% बोनस मिलेगा, मतलब 200 रुपये डालोगे तो 200 रुपये आपको ऐड कर देगा कौन, My Team11 वाले आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे 200 रुपये, मतलब 200 में आपको 400 मिल रहा है। तो ये देख के चलो कितना बढ़िया कैशबैक, यहाँ पर पेटीएम का भी अलग ही कैशबैक चलता रहता है भैया इनका। तो ये देख के चलना, अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, अब यहाँ पर अगर आप GCC की बात करो, भैया एक ही मुकाबला जीते हैं और सारे के सारे मुकाबले अपने हार कर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर अगर आप देखो वेदर रिपोर्ट, सबसे पहले अगर आप देखो कोई भी चांस नहीं है रेन की, और बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और मैं तो कह रहा हूँ भैया, अगर JUCC पहले बैटिंग कर जाती है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे जाएगी और एक आइडियल टीम आपके लिए बन जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग, 2 बार जो है चेस करते हुए टीम हारी है, यहाँ 2 बार जो है चेस करते हुए टीम जीती है और 3 बार यहाँ पर हारी है, जो पिछले 5 मुकाबले हुए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर आप बात करो 99 रन है, ज़्यादा रन्स नहीं है, 10 ओवर में 99 रन बहुत रन है वैसे देखा जाए तो। ग्रेशिया CC की अगर आप बात करो, एक ही मुकाबले में 100+ रन मारे हैं और किसी में नहीं मारे हैं। और यहाँ पर अगर आप, और इनमें भी भैया इन्हें 154 रन जो है चेस करने थे और यहाँ पर 119 ही मार पाए थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो और कहीं पर भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अगर ये टीम पहले बैटिंग अगर बॉलिंग करती है तो सामने वाली टीम के बॉलर्स ज़्यादा कर लेना, मतलब अगर ये बॉलिंग करती है पहले तो उनके बैट्समैन, मतलब JUCC के बैट्समैन, और अगर ये पहले बैटिंग करती है तो उनके बॉलर्स, वो ही ज़्यादा होने चाहिए। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि इनके प्लेयर्स इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। के लाल बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, 10, 20, 30 यहाँ पर नहीं खिलाया और सीधा सीधा भैया 0 रन। तो ये देख के चलना, और सामने वाली टीम बहुत बढ़िया है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है इनके ओपनर वोपनर चलेंगे। चलेगा तो कौन चलेगा, ये कुछ एच महे बी सिंह आपके पास है, ये दोनों प्लेयर, फिर उसके बाद यहाँ पर कुलवंत सिंह आपके पास हैं, आपको ये चलता हुआ दिख जाएगा। एच हुसैन आपके पास है, 3, 28, 8 और 6, इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, पर मुझे खुद ही नहीं समझ आई। वैसे मैंने Dream11 पर रखा है पर My Team11 पर नहीं रखा है, इसके ऊपर मैंने किसी और प्लेयर को रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा प्लेयर है। पर यहाँ पर अगर आप देखो एच हुसैन आपके पास है, यहाँ पर एच महे आपके पास है, यहाँ पर अगर आप देखो भैया ये बॉलिंग भी करवा लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, वो बैटिंग में पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करके गया है। तो ये देख के चलना है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है
विक्रम जीता 16 एक 0 रन के साथ, 2 विकेट, 16 रन 12 रन के साथ 1 विकेट। कुलवंत सिंह आपके पास है 16 5 18 13 और 6 फिर उसके बाद हरकमल सिंह आपके पास है 11 रन 2 रन 0 रन 10 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद त्रिलोचन सिंह आपके पास है 14 रन के साथ 2 विकेट, 0 रन के साथ 1 विकेट और 2 विकेट। परमजीत आपके पास है पिछले ही मुकाबले में बॉलिंग करवाई है। मेन बात तो ये है कि भैया इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि पिछले मुकाबले में इसने बॉलिंग करवाई, 2 विकेट चटकाई। अब जैसे कल का मुकाबला आखिरी वाला जो T10 हुआ था, जी सरवार ने और 2 मुकाबलों से बॉलिंग नहीं करवाई थी, फिर उसके बाद बॉलिंग करवा गया। तो ये देख के चलना कि जैसे परमजीत सिंह है, कुछ पक्का नहीं है कि भैया बॉलिंग करवाएगा करवाएगा, शायद ना भी करवाए। अगर मुख्तियार सिंह खेल जाता है तो भैया मैं किसी से भी ऊपर मुख्तियार सिंह को रखूंगा, सीधी सी बात है। अब पता नहीं ना ये खेलता है या नहीं खेलता, प्लेइंग 11 जैसी आएगी अपडेट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टीम्स का। यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर आप बात करो तो एच महे आपके पास है, 2 ओवर इसने करवाए हैं और करवा ही रहा है भैया, 2-2 ओवर कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्लेयर है। उसके बाद हरकमल सिंह आपके पास है 2 ओवर में 1 विकेट, त्रिलोचन आपके पास 2 विकेट इसने चटकाई, परमजीत सिंह ने 2 विकेट चटकाई, उसके बाद विक्की सोडी ने 1 विकेट चटकाई, उसके बाद विक्रमजीत सिंह ने 1 विकेट चटकाई। यहां पर जेयूसीसी की अगर आप बात करो, बढ़िया पोजीशन में है एज कम्पेयर टू जीसीसी, क्योंकि 2 मुकाबले जीत कर रही है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये भैया हाई स्कोरिंग मैचेस देख लो कितने खेले हैं इनने, यहाँ पर 100 से ज़्यादा रन तो 3 बार बना ही चुके हैं और यहाँ पर उसमें 2 बार जीते हैं। 123 वाला जो मैच था ना, वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर रहा था इनका, ये नहीं कि बिल्कुल ही वन साइडेडली हार गए थे। आखिरी ओवर में कुछ रन मैंने लाइव ही देख रहा था ये मुकाबला, क्योंकि बहुत बढ़िया रैंक चल रही थी वहाँ पर। मोहम्मद उल रहमान की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, उसमें जब इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो इसे ही मैंने वाइस कैप्टन रखा हुआ था, प्रिंस धिनमैन को मैंने कैप्टन रखा हुआ था और टीम ना बहुत तगड़ा परफॉर्म करके गई थी। यहां पर मोहम्मद उर रहमान आपके पास है 0-16 41 रन के साथ 2 विकेट, 35 रन 25 रन 0 रन के साथ 1 विकेट। यू मुश्ताक आपके पास है 6 रन के साथ 2 विकेट, उसके बाद यहाँ पर शाहिद नज़ीर आपके पास है 18-2 6-16 11 और 116। फिर उसके बाद अगर आप पिछले मुकाबले में 116 मार के गया, उसके अलावा तो कोई कुछ भी नहीं करके गया, आप आराम से रख सकते हो, मतलब सिंपल रख लो इस प्लेयर को। ये मत करना कि कैप्टन वाइस कैप्टन रख रहे हो, अगर आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता बढ़िया तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर जाना चाहते हो तो एस नज़ीर को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। अब्दुल रहमान उल्ला की अगर मैं बात करूं, इसके साथ भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग इतनी बढ़िया है नहीं, तो शायद अब्दुल रहमान उल्ला बढ़िया परफॉर्म कर जाए। शहीद गुलजार पिछले मुकाबले में खेला, 5 रन के साथ 1 विकेट, बॉलिंग भी आपको करवा के दे रहा है, रन आपको बनाकर दे रहा है, हो सकता है ऊपर आ जाए, मतलब ए उल्ला के ऊपर आ जाए तो और भी बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे देगा। बी बसरत इस दोनों मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा और दोनों मुकाबलों में लगभग बिल्कुल सेम पॉइंट देकर गया है, क्योंकि 25 पॉइंट वहाँ पर 1 विकेट के, फिर उसके बाद 4 रन जो इसने करे वो देख लो भैया 29 प्लस, मतलब वही है करीब 10 पॉइंट से ऊपर नीचे करे हैं, ज़्यादा करे नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हरून आपके पास है एक ऐसा प्लेयर जो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, एक आधे मैच में चलेगा, देखो अगर आज के मैच में चल गया तो चल गया, वो वाली बात है, पर बहुत कम चांसेस हैं कि इतनी बढ़िया इतनी बेकार फॉर्म के बाद प्लेयर कोई कुछ बहुत बढ़िया कर जाए, तो वैसा बहुत कम होता है, एक आधे परसेंट चांसेस होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ग्रैंड लीग में, रिस्की ग्रैंड लीग में एज अ प्लेयर लेकर जा सकते हो, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन मत रख रहे ना। एम जफर आपके पास है 2 विकेट, इसरार आपके पास है यहाँ पर अगर आप देखो 1-1 विकेट चटकाई है इसने। यहाँ पर बेंच पर अगर आप देखो भैया, ट्यूल मजारी खेल जाए मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है, और ट्यूल मजारी मैं रखूँगा किसकी जगह, एस गुलजेर की जगह शायद ट्यूल मजारी आएगा और उसी की जगह मैं इसे भी रखने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है और नीचे आपको वो भी बता रखा है कि भैया अगर आपको उस लिंक से नहीं जा पा रहे तो कैसे जा सकते हो, मतलब सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वो मिल जाएगा मेरा चैनल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अहमद आपके पास है 1 विकेट, उस्मान मुश्ताक आपके पास है 2 विकेट, फिर उसके बाद जफ़र ने पिछले मुकाबले में बॉलिंग करवाई है, ये देख लो भैया यहाँ पर 1 बॉल करवाई थी, ठीक है, सिर्फ उसके बाद जफ़र ने और कहीं पर भी बॉलिंग नहीं करवाई है, तो ये देख के चलो कि जफ़र ने कंसिस्टेंसी से बॉलिंग नहीं करवाई है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक पूरे टूर्नामेंट में 2 ओवर और 1 बॉल, मतलब इतनी ही बॉलिंग करवाई है और उसमें 2 विकेट लेकर गया है, शायद ना करवाए बॉलिंग अगर जो है यहाँ पर ट्यूल मज़र आ जाता है। फिर उसके बाद सईद गुलजार आपके पास हैं, बढ़िया परफॉर्म कर गया ये पिछले मुकाबले में, 5 बॉल्स करवाई और 1 विकेट चटकाकर चला गया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मोहम्मद उल रहमान 1 विकेट इसने चटकाई है, ये आप पूरी की पूरी मतलब पिछले मुकाबले की बॉलिंग डिपार्टमेंट, और अगर किसी और मुकाबले की भी देखना चाहते हो तो वहाँ पर भी देख यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अभी जो हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं,
टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी या चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस नज़ीर एक इंपॉर्टेंट पिक और एक ऑब्वियस पिक है, के लाल ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग, आर रहमानुल्ला देखो स्मॉल ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो आर रहमानुल्ला अगर JUCC की टीम पहले बैटिंग कर जाती है तो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैटिंग सेक्शन में, एच सलीक की सिलेक्शन मुझे अभी तक समझ नहीं आया भैया इसकी 32% क्यों है, वो क्रेडिट मतलब पॉइंट्स के हिसाब से मुझे तो लग रहा है भैया टीम बनी हुई है सारी की सारी अगर मैं देखूं तो। अगर क्रेडिट अगर आप देखो एच सलीक क्यों लेकर जाओगे यार, इस प्लेयर ने कुछ नहीं करा है, मतलब टोटल रन ही कितने मारे हैं 20 भी नहीं मारे होंगे अपने 5-6 मुकाबले में जितने भी इसने खेले हैं, तो ये देख के चलना। उसके बाद बी सिंह आपके पास है, एम जफर ने पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटकाई हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करा है, सिर्फ 1-2 विकेट चटकाई हैं पिछले मुकाबले में, 2 ओवर करवाए हैं, इसीलिए इसकी सिलेक्शन ज़्यादा है। आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो एम जफर को, लेकर किसे जा सकते हो, देखो भैया अगर एम सिंह टीवल मजर खेल जाते हैं तो इन दोनों प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि भैया के लाल या रहमानुल्ला। अभी के लिए मैं एम जफर को लेकर जा रहा हूँ, प्लेइंग 11 आती है उसके बाद जो भी चेंज होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ पर एस गुलजार की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, मैं तो अपनी स्मॉल लीग में लेकर जाऊँगा क्योंकि आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है, 1 विकेट चटका कर दी इसने और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको बैटिंग भी करवा कर दे रहा है, शायद एस गुलजार ना खेले इसकी जगह टीवल मजर खेल जाए तो वो देख के चलना, अगर टीवल मजर खेलता तो हम उसी को रखने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे पास एच महे हैं, एम सिंह और टीवल मजर पिछले 2-2 मुकाबले नहीं खेले हैं अपने, तो भैया इसीलिए मैंने यहाँ पर पिक नहीं करे, टीवल मजर ने पिछले 2 मुकाबले नहीं खेले और यहाँ पर अगर आप देखो एम सिंह ने अपना पिछला मुकाबला नहीं खेला था। यू मुश्ताक आपके पास है, बी बसरत आपके पास है, ये पूरी की पूरी टीम जो आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है वैसे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टी सिंह, अमुल रहमान और आई अहमद, तीनों के तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों मैंने रखे हैं। नीचे आपके पास ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं और जो भी हैं वो ग्रैंड लीग पिक्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखो सबसे पहले जो है स्मॉल लीग टीम की बात कर लेते हैं, कैप्टन जो मैंने रखा हुआ है वो रखा हुआ है भैया यू मुश्ताक, वाइस कैप्टन अमुल रहमान, एस नज़ीर, एम जफर, बी सिंह, ए हुसैन, एस गुलजार, फिर उसके बाद बी बसरत, एच महे, आई अहमद और टी सिंह, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई टीम 11 की टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए स्मॉल लीग की टीम लेकर आया हूँ मैं, अपडेटेड टीम इसकी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो यू मुश्ताक ही कैप्टन है, वाइस कैप्टन जो यहाँ पर अमुल रहमान ही है, एम मज़र रखे हुए हैं, एम मतलब एम जफर रखे हुए हैं, फिर उसके बाद बी सिंह हैं, एस गुलजार हैं, एस नज़ीर हैं, बी बसरत हैं, एच महे हैं, आई अहमद, पी सिंह और टी सिंह, तो थोड़ा सा चेंज करा हुआ है यहाँ पर। ये भी आपके लिए वैसे स्मॉल लीग की टीम है, अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब ग्रैंड लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ ड्रीम इलेवन की, तो कैप्टन जो है अमुल रहमान रखे हुए हैं, वाइस कैप्टन एच महे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस नज़ीर, एम जफर खान, बी सिंह, ए हुसैन, बी बसरत, टी उल मजर, एम सिंह, आई अहमद और टी सिंह, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।